हाँ जी, सत श्री अकाल जी, की हाल चाल भाई? आज बात करेंगे जी मेरे पूरे एक महीने के एक्सपीरियंस के बारे में ऑस्ट्रेलिया में। तो जी एक महीना मेरे को हो गया जी, 14 तारीख को। मैं 14 फेब को ही आया था वैलेंटाइंस डे वाले दिन, लेकिन वहाँ की बात नहीं बनी वैलेंटाइन डे वाले दिन आने पे। लेकिन जो मेन बात है वो मैं आपको बताऊंगा जी, अपना एक महीने का रिव्यू, क्या क्या मैंने यहाँ किया है एक महीने में, और क्या क्या डिफ़िकल्टीज मेरे को आई, और क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो चलो ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो करते स्टार्ट। तो भाई 14 फेब को तुम्हारे भाई का प्लेन हुआ था यहाँ लैंड। तो ये सबसे पहली बात, मेरे को बहुत सारे पूछते हैं भाई तेरे को लेने कौन गया था वहाँ से, एयरपोर्ट से कोई तेरे जान पहचान का था कि नहीं। भाई देखो, मेरे कोई जान पहचान का नहीं था, मेरे को लेने गए थे मेरी यूनिवर्सिटी वाले, ठीक है। तो मैंने इनको कॉल कर ली थी कि मेरे जान पहचान का वहाँ कोई है नहीं, तो क्या आप मेरे को पिक कर सकते हो? तो उन्होंने कहा था कि हाँ आप पिक कर सकते हैं, आप अपना फ्लाइट नंबर और एक दो चीज़ें और थी, पासपोर्ट नंबर वगैरह, वो आप अपना शेयर कर दो, मैं आपको लेने आ जाऊँगा या आ जाऊँगी, जो भी था, ठीक है। तो मैं इधर उतरा तो वो बाहर ही थे, वो मेरे को लेके आए। उन्होंने मेरे से पूछा कि आप हॉस्टल में रहना पसंद करोगे या अपना सेपरेट रूम आपने कोई जुगाड़ किया? मैंने कहा मैंने कोई जुगाड़ नहीं किया, मैं हॉस्टल में रहना पसंद कर लूँगा। तो उन्होंने फिर मेरे को दो ऑप्शन दिए कि भाई आप यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन में रहोगे, एक और हॉस्टल है वहाँ रहोगे। तो फिर मैंने दोनों का पूछा भी क्या क्या रेट है। तो उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी वाला आपको $115 का पड़ेगा, और जो दूसरा वाला है वो 140 का पड़ेगा। तो मैंने 140 वाला चूज़ किया क्योंकि ये टाउन में है, तो मेरे को काम भी ढूंढना था, मैं नया नया था, और जो यूनिवर्सिटी वाला 4.5 किलोमीटर है, ना तो अपने पास गाड़ी थी ना कुछ था एक पहले दिन, तो इसलिए वो यूनिवर्सिटी वाली अकोमोडेशन बहुत फाड़ है, बिल्कुल 5-स्टार होटल वाली फीलिंग है। आपको अलग फ्रिज दी गई है, आपका सेपरेट बाथरूम है, मतलब छोटा सा कमरा है उसी में सब कुछ है। तो फिर भी मैंने 140 वाला चूज़ किया क्योंकि मेरे को काम ढूंढना था, ये शहर के बीचों बीच है, 3 किलोमीटर इधर सब कुछ है, 3 किलोमीटर इधर सब कुछ है, सब कुछ पास पड़ोस में ही है। तो अब फिर मेरे को रूम मिल गया जी पहले दिन, ठीक है। तो अब थी थोड़ी खाने पीने की दिक्कत कि भाई खाना भी है। तो जी मैं गया, एक यहाँ बंदे से बात करी तो वो मेरे को कोल्स लेके गया। यहाँ पे जैसे अपने बिग बाजार वगैरह होते हैं वैसे कोल्स है, ठीक है। तो वहाँ खाने पीने का सामान मिल जाता है, सस्ता मिल जाता है, ठीक है। बाकी बाकी IGA जो है, IGA इसको कहते हैं, कुछ भी कहते हैं जी, उस पर IGA लिखा होता है, तो वहाँ काफ़ी सस्ता सामान मिल जाता है खाने वाला। कोल्स जा सकते हो या IGA जा सकते हो, ठीक है। तो भाई मैंने पहले दिन ही थोड़ी बहुत ग्रोसरी खरीदी, उसमें तेल वगैरह खरीदा, एक महीने से इतना ही है क्योंकि मेरे को भाई ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरा एक रूममेट आया था तो उसने थोड़ा बहुत यूज़ किया, मसाले तुम्हारा भाई इंडिया से आया था, ठीक है। तो फिर आती है जी बात दूसरे दिन की कि भाई एक दिन निकल गया, जॉब भी ढूंढनी है। पहला दिन तो खुशी खुशी निकल गया कि हाँ, मतलब थोड़ा वो था कि हाँ ऑस्ट्रेलिया आए, ऑस्ट्रेलिया आए, फीलिंग फुल थी। तो उसके बाद भाई ढूंढनी थी जॉब, तो निकले जी इधर उधर अपने पता करने कि भाई जॉब है, जॉब है, जॉब है, जॉब है, नहीं मिली जी कहीं भी। तो बड़ा सैड था मैं कि बहन की जॉब नहीं मिल रही। तो भाई मैंने इधर उधर बात करी 2-4 लोगों से जो पहले है। मेरे कंसल्टेंट ने मेरे को बताया कि एक बंदा है तो उसको कॉल कर, वो तेरी हेल्प करेगा। तो भाई मैंने उसको कॉल करी, तो वो बंदा मेरे से बोला कि तू सिडनी आ जा, सिडनी से अप डाउन कर लेना। भाई पोर्ट मैकेरी और सिडनी में 400 किलोमीटर का फर्क है, हमारे पास तो भाई गाड़ी नहीं है जो डेली आ जा पाए। तो हमने उसको टाटा बाय बाय की, कभी नहीं हम नहीं आ सकते, तो ज़्यादा नेगेटिव साइड में ले गया। तो भाई लिटरली मैं उस रात को रोया कि यार जॉब नहीं है, मैं कैसे खर्चे अपने निकालूंगा, ये है वो है, बहुत मेरे को टेंशन हो गई। एक चीज़ और है, अगर जैसे जब आप आते, जैसे मैं अकेला था यहाँ पे, पहली बात तो आप जहाँ भी आओगे कोई ना कोई आपके मिलने वाला होगा ही, ठीक है। अगर नहीं भी है तो भाई दिल छोटा करने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरे पे बीती है भाई मैं आपको बता रहा हूँ। एक रात में रोया भाई क्योंकि मैं अकेला था, जॉब नहीं थी मेरे पास, तो वो तब वो टाइम मेरे को लग रहा था यार मैंने गलत डिसीजन ले लिया यहाँ पे आके, मेरे को इंडिया चला जाना चाहिए। वो भाई जो 2-3 घंटे में रोया हूँ ना, तो वो ऐसे ऐसे ख्याल आए ना मेरे दिमाग में, बहुत नेक्स्ट लेवल के ख्याल आए थे।
लेकिन ऊपर वाले पे रखो, डिपेंड रहो, वही कुछ करेगा। ज़्यादा जो भी दिक्कतें वगैरह अपने घर वालों को ज़्यादा बताओ मत, क्योंकि आप तो परेशान हो गए फिर घर वाले और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो इससे फ़ायदा नहीं बनता। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है भाई। मेरे पास रिज्यूमे नहीं थे, मैंने कहा पैसे भी खर्चने भाई, तो मैं यूनी गया, यूनी वालों को कॉल करी, यूनी वाले लेने आ गए, तो वहाँ मैंने उनसे प्रिंट आउट निकलवा लिया 20। तो वहीं मेरे को एक और बंदा मिल गया मेरा, वो इंडियन था, तो फिर मैंने उसके साथ रूम शेयर कर लिया, तो फिर मेरा वो $105 हो गया और रेंट वैसे मेरा 140 पड़ता था, तो 105 हो गया, काम चल गया जी अपना। तो फिर हम दोनों लोग शाम को निकले रिज्यूमे लेने। तो भाई रिज्यूमे देते गए जितनी भी दुकानें मिली, जिधर जिधर पता किया, रिज्यूमे अच्छी थी। अगले दिन एक जगह से कॉल आ गई जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, उन्होंने कहा भाई आजा, प्री ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं करता है क्या करता है। तो भाई हमने भी जी जान लगा के जैसे भी करके काम किया, तो भाई लोगों ने पक्का रख लिया, ठीक है, तो काम की टेंशन ख़त्म हो गई। फिर काम के बीच में हाथ जल गया, तो उसमें थोड़ी दिक्कत, पहली क्लास इससे एक दिन पहले जी हाथ जल गया जी तुम्हारे भाई का। कुछ नहीं, फिर पट्टियाँ बांध के जाते रहे थोड़े दिन, यूनिवर्सिटी भी देखनी थी, काम भी देखना था, यूट्यूब भी देखना था, मैंने यूट्यूब से 2 दिन का ब्रेक लिया, मैंने वीडियो पोस्ट नहीं करी, तो ऐसे ही चलता गया जी। खाना पानी मेरा रेस्टोरेंट से होता रहा, और रहने का मेरा इधर है ही, ज़िंदगी थोड़ी सुकून की हो गई। और मेरे बाद में जितने भी आए थे वो कुछ लोग तो जॉब अभी तक ढूंढ रहे हैं, कहीं को मिली है कहीं को नहीं मिली, क्योंकि जी जाके कुंडी खड़कानी पड़ती है बार बार कि भाई जॉब चाहिए हमें, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे नहीं तो हमें खाली ट्रेनिंग पे रख लो, हमें काम सिखा दो, पैसे मत देना, हमें खाली ट्रेनिंग पे रख लो। तो भाई अगर वहाँ आप जी जान लगा के अच्छे से काम करोगे, तो अगर बंदे को लगेगा कि बंदा सही, तो वो आपको रख भी लेगा। कोई ज़रूरी नहीं आप जाके उसको कहोगे मैं इतना ही पे रेट लूँगा, मैं इससे कम लूँगा नहीं, ये वो है ना, होने से तो अच्छा है खुशी मिल जाए, ठीक है, खाना खर्चा निकल जाए तो यही बहुत है। ये बातें हैं कुछ, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख लेना, ठीक है जी। तो यहाँ वीकली हिसाब किताब चलता है, वीकली आपको पे रेट मिलता है और वीकली आप रेंट देना पड़ता है। और इस मंथ में मैंने कुछ कुछ चीज़ें खरीदी, जैसे ये फ़ोन खरीद लिया जी, इतना बड़ा खर्चा कर लिया, और 2-4 चीज़ें खरीदी मैंने, एक कैप खरीदी, 1-2-4 टी शर्ट्स खरीदी, और ऐसे छोटा मोटा सामान खरीदा, ग्रॉसरी जो सारे खरीदते हैं। तो ये था जी मेरा एक मंथ का रिव्यू। अब आते हैं जी मेन मुद्दे पे, यहाँ के मौसम के बारे में। लोगों ने मौसम के बारे में बड़ा पूछा, मौसम यहाँ अच्छा है जी, पोर्ट मकैरी में तो बहुत ही अच्छा है, यहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं होती, हवा चलती बहुत ठंडी चलती, क्योंकि 2-3 साइड में तो, 2 साइड में तो समुंदर है, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ इधर भी समुंदर, इधर भी समुंदर, तो फीलिंग पूरी ये है। तो अभी भी बारिश हो रही है, मौसम काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, इतनी गर्मी तो है नहीं, ठंड का भी पता नहीं, जब ठंड आएगी तो देखेंगे। यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर नीचे नहीं जाता, नींद आ रही जी बहुत ज़्यादा, वीडियो बनानी है, असाइनमेंट भी बनाने हैं, चलो कंटिन्यू करते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो कोल्ड मकैरी में तो 33-34 रहता है, लेकिन वो इतना फील नहीं होता क्योंकि हवा चलती रहती है अच्छी जी। और अगर बात करें जी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की, तो भाई देखो सबको थोड़ा ध्यान देके तो पढ़ना ही पड़ेगा, असाइनमेंट आपको सबमिट करने पड़ेंगे टाइम टाइम पे। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ऐसा है कि आप गूगल से नहीं छाप सकते, ना आप अपनी बुक से छाप सकते हो असाइनमेंट, अगर आप छापोगे तो आप पे केस हो जाएगा, कुछ ये लोग कहते हैं प्लेजरिज्म, पता नहीं क्या कहते हैं वो कुछ होते हैं, इनका फॉर्म होती है कुछ, अगर असाइनमेंट वगैरह आप कहीं छापते हो कहीं से, तो थोड़ा जी ध्यान रखना असाइनमेंट पे। बाकी होमवर्क वगैरह भी देते हैं वो तो पता है जी, देसी हैं, काम पे ध्यान देते हैं जी, होमवर्क नहीं करते हम लोग, सीधा क्लास में जाके वो पूछते हैं तो हम लोग मुँह लटका लेते हैं थोड़ा नीचे से, कोई इतनी फील नहीं करते जी बेइज्जती, क्योंकि इंडिया में काफ़ी करवा चुके हैं हम लोग यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में, यहाँ इतनी फील नहीं होती है, बस असाइनमेंट कंप्लीट करने हैं, वो आज करेंगे आज। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है, 1 महीने हो गया मेरे को यहाँ पे आके, ठीक है
यूट्यूब भी कर रहे हैं, लोगों को नॉलेज भी मिल रही है इससे, काफ़ी लोगों के कमेंट भी आते हैं, थैंक यू सबका। तो भाई कई बार मेरे को कमेंट करते भाई आप हिंदी में बनाओ, भाई ऐसा है कि फ्लो फ्लो में जब बन जाती है पंजाबी में बन जाती है, तो जब मैं पूरा फोकस करके बनाता हूँ तो हिंदी में ही बनाता हूँ, तो हिंदी में आया करेंगे ज़्यादा वीडियो, टेंशन मत लो। और एक चीज़ हंगरी जैक्स वाला वो कर लेना सिस्टम भाई लोग आके, फ्री में तो चीज़ें मिलनी मिलनी है डेली, मैंने दोनों फ़ोन पे कर रखा, मैं डेली सुबह जाके वहीं घुस जाता हूँ। अभी तो बारिश हो रही है बस, अभी विन एंड शेक करके चलने वाले वहीं पे। तो उम्मीद करते हैं जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।